तो वैसे ये है गाड़ी की चाबी, ये है वरना SX DCT वाला वेरियंट जो ऑप्शनल टॉप मॉडल आता है सबसे ज़्यादा। तो ये सामने हमें फ्रंट में LED DRLs मिलती हैं जो कि पूरी आगे से लेके यहाँ तक जाती है, और इसी के साथ हमें कोई फॉग लैम्प नहीं मिलते, लेकिन फ्रंट में हमें LED लाइट्स मिलती है। नीचे इंडिकेटर का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और ये सामने एडास का फीचर लगा हुआ है, एडास वाला सेंसर लगा हुआ है। गाड़ी में फ्रंट चार सेंसर आते हैं, आप देख सकते हैं, ये 1, 2, 3 और 4। तो ये फ्रंट से कुछ ऐसा रुक है गाड़ी का। और इसी के साथ अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं टायर की। जो टायर हमें मिलते हैं वो है 2055R16 इंच के, हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें ऑटो की बैजिंग मिलती है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक वेरियंट है DCT वाला। ये ORM से मिलते हैं, जिनके साथ हमें यहाँ पे वार्निंग का इंडिकेशन भी मिलता है। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो वार्निंग का डिटेक्ट बता देगा ये। यहाँ पे स्वाइप इंडिकेटर्स हैं, और क्रोम डोर हैंडल्स नहीं मिलते, नहीं क्रोम डोर हैंडल्स ही हैं मेरे ख्याल के। हाँ, साथ में यहाँ पे बटन मिलता है, यहाँ पे बैजिंग है ग्लासेस पे, और यहाँ पे हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलता है लाइट्स का, देख सकते हैं आप। हमें डिफोकस मिल जाते हैं, ये स्पीकर की प्लेसमेंट है यहाँ पे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये शार्क हमारा स्मॉल शार्क फिन एंटीना, हमें यहाँ पे सनरूफ मिलता है ऊपर, और कुछ गाड़ी की प्रोफाइल ऐसी दिखती है दूर से जो कि बहुत हॉट लगती है। इसी के साथ हमें अपोलो के टायर्स मिलते हैं गाड़ी के अंदर। और अगर हम बात करूँ बैक साइड की, तो जगह कम है पीछे, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ ऐसी प्रोफाइल है गाड़ी की। यहाँ पे हमें वरना की बैजिंग मिलती है, ये भी DRL मिलती है पूरी यहाँ तक। तो यहाँ पे डॉटेड लाइट्स मिलती हैं, यहाँ पे अंदर डिज़ाइन मिलता है लाइट्स में, और ये इंडिकेटर्स हैं जो कि LED नहीं आते, इसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ देख सकते हैं अंदर, और ये रिवर्स करते हुए लाइट है। हमें यहाँ पे चार सेंसर मिलते हैं चारों साइड, SX की बैजिंग मिलती है, गाड़ी का लोगो कुछ ऐसा है। और इसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, यहाँ पे लाइट्स मिलती हैं, यहाँ भी लाइट्स मिलती है नंबर प्लेट के लिए, और यहाँ से खोल सकते हैं हम गाड़ी। तो अभी बूट खोलते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे मिलता है, यहाँ पे इंसुलेशन है जो कि अच्छी चीज़ है काफ़ी। इसी के साथ बात करें बूट स्पेस की, तो हमें कुछ ऐसा बूट स्पेस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी डीप है। 2 ट्रॉलीज बैग 3 ट्रॉलीज बैग काफ़ी आराम से आ जाएंगे। इसका मैं मेंशन कर दूंगा कितने लीटर्स का है। यहाँ पे हमें सबवूफर मिलता है क्योंकि हमें बोस का सराउंड सिस्टम मिलता है, तो उसका सबवूफर हमें यहाँ मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे लाइट मिलती है, और काफ़ी स्पेस है बूट के अंदर। बात करूँ मैं टायर प्रोफाइल जो इसके अंदर है तो उसकी, तो हमें यहाँ पर 185/65R15 का टायर मिलता है जो कि एक्सेल छोटा है। और इसी के साथ अब हम इंटीरियर की बात करते हैं। तो ये डोर की जो प्रोफाइल है मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। चार पावर विंडोज मिलती हैं, ड्राइवर साइड 1 टच डाउन 1 टच अप, लॉक अनलॉक का बटन, लेफ्ट राइट ORVMs के लिए, फोल्ड अनफोल्ड, चाइल्ड लॉक। इसी के साथ हमें यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है बोस की ब्रांडिंग के साथ। ट्विटर्स यहाँ मिलते हैं, यहाँ पे 2 वाटर बॉटल्स आ सकती हैं, स्मॉल एंड बिग एंड स्मॉल। और थोड़ा स्पेस यहाँ पे दिया गया है, इसके साथ यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे हल्की सी सॉफ्ट कुशनिंग दे रखी है, पर ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड में आ जाती है। और ये बेस ट्रीटमेंट दिया गया है ब्लैक के साथ। अब अंदर चलते हैं। साथ ही में यहाँ पे हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ मिलता है, पूरी एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है हमें गाड़ी के अंदर। आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। और अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमें डोर्स में भी यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा। इसी के साथ अभी इंटीरियर की प्रॉपर बात करेंगे, पहले मैं जरा आपको सीट दिखा देता हूँ गाड़ी की। तो गाड़ी के अंदर हमें ऑटो अप डाउन और आगे पीछे करने का ऑप्शन मिलता है सीट का, लेकिन नहीं आगे पीछे कर सकते हो, और ये लंबा सपोर्ट के लिए है, ये वाला लंबा सपोर्ट नहीं मिलता गाड़ी में। लेकिन हाइट एडजस्टमेंट के लिए हमें मैनुअल दे रखा है, आगे पीछे, और इस चीज़ को आगे पीछे करना हो उसके लिए बटन है, और ये हाइट एडजस्टमेंट के लिए मैनुअल है। अब अंदर चलते हैं गाड़ी के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक वेरियंट है, तो सबसे पहले हम इसकी जो एम्बिएंट लाइटिंग है उसकी बात कर लेते हैं। AC को मैं बंद कर देता हूँ अभी। तो वो देखो, वहाँ पे भी हमें चार एम्बिएंट लाइट्स मिलती हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, और वहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ही पूरा मिलता है हमें। पीछे के डोर्स में नहीं मिलती है, फ्रंट में मिलती है। पैसेंजर एयरबैग का ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमें जो भी साइज़ मिलता है स्क्रीन का वो मेंशन कर दूँगा, क्योंकि मैंने डिटेल नहीं पढ़ी इसके बारे में। ये जो टॉप मॉडल्स में स्क्रीन आ रही है, चाहे वो i20 आज तक ऑप्शनल आ रही है, उस सब में ये सेम स्क्रीन ही आ रही है। क्रेटा में भी ये स्क्रीन आ रही है। अब इसी के साथ साथ बात करते हैं हम AC की। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको ऑडियो में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इसको आप दबाओगे ये आपका
एसी के कंट्रोल्स आ गए यहाँ पे सारे, एसी ऑन ऑफ करने के लिए ये सारा पैनल टच है, ठीक है। और अगर आपको म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कोई बात वो कंट्रोल चाहिए तो आप इसको दबाओगे, ये सारे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल आते हैं, आपका सेटअप वगैरह जो भी है वॉल्यूम वगैरह सब कुछ इसी से आ जाएगा। अदरवाइज़ आप सब कुछ यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो अपनी स्क्रीन से। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलती है, मैं लाइट ऑन करता हूँ एक बार फ्लैश। इसके साथ हमें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलती है, यूएसबी का पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है और टाइप सी का भी पोर्ट है, और ये जो लाइट है वो वायरलेस चार्जिंग के लिए, जब आप फ़ोन यहाँ रखोगे लाइट जल जाएगी। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो हमें डीसी ट्रांसमिशन मिलता है। ड्राइव मोड में कौन से स्पोर्ट्स में रखनी है, नॉर्मल इको जो भी है यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 360 डिग्री का कैमरा है, नहीं 360 डिग्री नहीं आता इसके अंदर शायद, हाँ इसमें 360 डिग्री नहीं आता, इसमें नॉर्मल रियर पार्किंग रियर कैमरा दिखा रहा है, ये उसका व्यू था। और इसी के साथ हमें एक और ऑप्शन मिलता है पार्किंग अलर्ट का। अब ये बटन क्या काम करता है बेसिकली वो मुझे इतना खास पता नहीं है, तो ये दो बटन मिलते हैं हमें यहाँ पे, इसको हम बैक कर देते हैं। यहाँ पे हमें हैंडब्रेक मिलती है जो कि मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं आती, जो पार्किंग बटन होता है। दो कप होल्डर्स हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। और ये हमें आर्मरेस्ट मिलता है जो कि थोड़ा सा हार्ड है खोलने में, तो हमें कुछ इतनी स्पेस मिलती है इसके अंदर आर्मरेस्ट में, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसमें एक और स्पेस भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो खुलेगी कैसे वो देखना पड़ेगा, नहीं सिंगल फेस स्पेस ही आता है ये, बस इसको आप आगे पीछे कर सकते हो आर्मरेस्ट को, वो ऑप्शन है इसमें। और इसी के साथ साथ अब बात करते हैं सीट्स की, तो 6 एयरबैग्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी आपको एयरबैग की बैंडिंग मिलती है। यहाँ पे भी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मुझे अभी तक तो दिखा नहीं, ये रहा वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन है हमें गाड़ी के अंदर, हीटेड भी है और कूल भी है शायद, दोनों आती हैं वेंटिलेटेड सीट्स, तो एक ऑप्शन ये भी है हमारे पास। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील में हमें वॉल्यूम के कंट्रोल इस साइड मिल जाते हैं जो फ़ोन और इन्फोटेनमेंट से रिलेटेड है, और जो डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं वो सारे हमें यहाँ मिल जाते हैं, एडास का हो गया, इसमें इंफॉर्मेशन का हो गया, वो सारे कंट्रोल्स हमें यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे गाड़ी का हॉर्न मिलता है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, वाइपर से कंट्रोल्स हमें यहाँ मिल जाते हैं आप देख सकते हैं, और LED लाइट्स के कंट्रोल हमें यहाँ मिल जाते हैं जो कि ऑटो का ऑप्शन भी गाड़ी के अंदर आता है। यहाँ पे हमें इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, ये अट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये हेडलाइट लेवलर है। यहाँ पे हमें एसी वेंट मिल जाता है, दो एसी वेंट हमें यहाँ मिल जाते हैं, और ये हमें ब्लिंकर मिल जाता है जो कि ब्लिंक करता है दबाने पे, और एक एसी वेंट वहाँ पे है। ये मुझे कमेंट में पाना कि शायद ये स्पीकर है क्या है ये मुझे पता नहीं, बेसिकली शायद स्पीकर ही है क्योंकि इसके अंदर होल बना हुआ है, तो शायद एक स्पीकर यहाँ पे भी मिलता है। इसका बेसिक सबवूफर तो पीछे है, शायद सेंटर स्पीकर है ये इसका गाड़ी का। और वाइपर्स मैं पानी नहीं चला सकता, पर सिंगल ब्लेड वाइपर्स मिलते हैं यहाँ पे, कोई ड्यूल ब्लेड या फेमस वाइपर नहीं मिलते। यहाँ पे हम मिरर की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिक सा मिरर मिलता है, ये शायद ऑटो डाउन या ऑटो उसका ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, देखो आप ध्यान से देख सकते हो। और हमें जो कैमरा मिलता है एडास का, बाहर बाहर से दिखा दूंगा आपको गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे SOS का बटन मिलता है, ब्लू लिंक का ऑप्शन मिलता है, और ये अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो टोल का ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देगी गाड़ी। यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं जो कि वाइट लाइट्स आते हैं गाड़ी के अंदर, पीछे भी लाइट मिलती है और यहाँ पे भी लाइट मिलती है, और यहीं पे हमें सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है गाड़ी में। जो कि इतना खुलता है आप देख सकते हैं, और बहुत सही है एक सेडान के लिए, और बड़ा दे सकते थे लेकिन इन गाड़ियों में इतना ही आता है, तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फाइन है। नीचे हमें यहाँ पे ऐसे दो पैडल्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड में हमें डेड पैडल मिल जाता है, और इसी के साथ यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स और बूट ओपन करने का ऑप्शन भी है। यहाँ पे आप बैक की डिक्की खोल सकते हैं और अपना फ्यूल ऑप्शन खोल सकते हैं। अब पीछे जा रहे हैं हम इसके बाद, तो अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। रियर से गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है जो कि बहुत सुंदर लगती है। इसके स्टीयरिंग का एक इशू ये है कि समझ नहीं आता कि सीधा कैसे है उल्टा कैसे है, पर ध्यान से देखोगे तो चल जाता पता, पर दूर से नहीं चलता पता। और सनरूफ के साथ गाड़ी कुछ ऐसा लुक देती है। इसका जो इंटीरियर इन्होंने चूज़ किया है बेज एंड ब्लैक वाला, वो बहुत सुंदर है। इसकी सीट्स जो खुद की आती हैं कंपनी की, वो बहुत बहुत फाइन क्वालिटी की हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ गंदी ज़रूर हो सकती हैं पर अच्छी वो लगती हैं। यहाँ पे हमें स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है, कोई ट्विटर नहीं मिलता, और बोस की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे पावर विंडो का ऑप्शन है, गाड़ी का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है लोकल लोक वाला। यहाँ पे हैंडल मिल जाता है हमें, यहाँ पे कुछ जगह है थोड़ी सी हाथ रखने के लिए। और अगर बात करें कप होल्डर्स, तो यहाँ पे हमें 1 लीटर वाटर बॉटल रखने की जगह मिल जाती है, थोड़ा सा सामान रखने की जगह मिल जाती है। इसके साथ साथ थोड़ा स्पेस यहाँ पे है, और हमें यहाँ पे AC वेंट मिलता है,
दो टाइप सी के चार्जर मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं आजकल फ़ोन में, यही आ रहे हैं। और यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह मिलती है और ऐसा ही सेम इस साइड भी है। और इसी अगर बात करूँ मैं सीट की, तो बीच में हमें टू कप होल्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम बूट को एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। बीच में कोई हम्प नहीं आता, हल्का सा हम्प आता है बिल्कुल। दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, सेंटर में कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता। और यहाँ पे हमें इसको अटकाने के लिए ये भी मिल जाती है, मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ, जो कि लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखा देता है। और ज़्यादा सीडेंस में क्या होता है, पीछे से बहुत धूप आती है तो यहाँ पे बहुत लगती है, वो उसका बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको यहाँ पे अड़ा सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं दिखाऊँ आपको इसको रिमूव करके, हमें वहाँ पे बोस का स्पीकर जो मिल जाता है सबवूफर, एक साइड ही मिलता है, ऐसा लगता है कि दोनों साइड स्पीकर हैं लेकिन वो लेफ्ट साइड में है, तो उसकी बेस यहाँ से सराउंड होती रहती है। तो ये है SX ऑप्शनल DCT वाला वेरिएंट, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा वेरिएंट है और इसमें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है जो आपको एक गाड़ी को चाहिए। एडजस्टेबल हमें यहाँ पे सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप हाई और डाउन कर सकते हैं इसको। एयरबैग की हमें यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है। आइसोफिक्स सीट्स मिलती हैं हमें यहाँ पे, आपको दिखा होगा ब्रांडिंग लिखी हुई है उनकी। तो एक बार दोबारा आगे चलते हैं और आपको मैं इसका एक तो इंजन हुड दिखा दूंगा कि अंदर से कैसा है, और दूसरी चीज़ का साउंड रिव्यू बनाना है तो वो उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो डाल दूंगा। तो कुछ इस तरह से हमें LED लाइट्स मिलती हैं गाड़ी के अंदर, फ्रंट में पूरी DRL मिलती है और यहाँ पे LED लाइट्स मिलती हैं, जिनका थ्रो बहुत अच्छा है। इसी तरह मैं आपको रियर प्रोफाइल में दिखाता हूँ लाइट्स कैसे लगती हैं। जो ADAS का कैमरा है वो हमें यहाँ मिल जाता है, आप देख सकते हैं ये ADAS का कैमरा है। और कुछ इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल दिखती है। हम यहाँ पे थोड़े डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स मिलते हैं गाड़ी में, और जब ब्रेक मारते हैं तो यहाँ पर एल लाइट्स दे रखे हैं, यहाँ पर ये जलती हैं, डॉटेड लाइट्स हैं यहाँ पर। और ये पूरी पीछे से लेकर यहाँ तक कनेक्टेड DRL जाती है यहाँ तक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। साउंड रिव्यू की वीडियो अलग से आ जाएगी, वो मैं अलग वीडियो में डालूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।